कि जो राहुल गांधी का वोटर है, जो अशोक गहलोत का वोटर है, वो मोदी को भी अपना वोटर अपना हीरो मानता है। अगर आप ये समझेंगे कि नहीं, मैं मोदी को हराना मेरा मकसद है, तो मेरा भी मकसद है कि मोदी कभी ना दोबारा भारत का वजीर आजम बने। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, क्या तुमने कभी बीजेपी को वोट दिया, तो आप सब कहेंगे कि हमने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया ना कभी देंगे। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या तुमने 2019 के लोकसभा के चुनाव में जयपुर की पार्लियामेंट से तुमने क्या मोदी को वोट दिया, तो सब कहेंगे कि नहीं हमने नहीं दिया। तो फिर बताओ यहां से कैसे बीजेपी कामयाब हो जाती है। मन में जो आपके बात है उसको आप सामने लेकर आए। भारत के संविधान में ये लिखा गया कि आपको इक्वालिटी मिलेगी, बराबरी मिलेगी। भारत के संविधान में लिखा गया कि भाईचारगी पैदा करना हम तमाम का काम है। तो मैं आपको बताने आ रहा हूं कि अगर आप आजादी चाहते हैं नफरत से, अगर आप हिस्सेदारी चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, अगर आप डिस्क्रिमिनेशन का खात्मा चाहते हैं, अगर आप भाईचारगी को मजबूत करना चाहते हैं, तो 25 तारीख के दिन आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में पतंग के निशान पर बटन दबाकर इन तमाम चीजों को हासिल करने की लड़ाई का आगाज करना पड़ेगा। अगर आप ये समझेंगे कि नहीं, मैं मोदी को हराना मेरा मकसद है, तो मेरा भी मकसद है कि मोदी कभी ना दोबारा भारत का वजीर आजम बने। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, क्या तुमने कभी बीजेपी को वोट दिया, तो आप सब कहेंगे कि हमने कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया ना कभी देंगे। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि क्या तुमने 2019 के लोकसभा के चुनाव में जयपुर की पार्लियामेंट से तुमने क्या मोदी को वोट दिया, तो सब कहेंगे कि नहीं हमने नहीं दिया। तो फिर बताओ यहां से कैसे बीजेपी कामयाब हो जाती है। कौन भी बेईमानी से जरूर कामयाब होती या नहीं होती अलग बात है, मगर आप तो वोट नहीं दे रहे ना बीजेपी को, तो फिर कैसे कामयाब होती। तो मालूम हुआ कि जो राहुल गांधी का वोटर है, जो अशोक गहलोत का वोटर है, वो मोदी को भी अपना वोटर अपना हीरो मानता है और उनको वोट दे देता है। और जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारे सामने आकर इल्जाम लगा दिया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने के लिए आ गया। मैं इन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, बताओ, मैं तो पहली मर्तबा राजस्थान में आकर इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो पहले बीजेपी किसकी वजह से जीती, बीजेपी के पूरे एमपी कैसे कामयाब हो गए, तो इसका जवाब कांग्रेस वाले नहीं दे पाएंगे। मगर अब कल से शुरू कर देंगे ये तमाम कांग्रेस के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो कांग्रेस के इशारे पर कठपुतली बनकर नाचते हैं, ये कल से शुरू हो जाएंगे कि ओवैसी जयपुर को आया और आकर इसने भड़काऊ भाषण दे दिया। तो मेरे चेहरे पर लिखा हुआ है भड़काऊ भाषण, इनको ही नजर आता, मुझे नजर कभी नहीं आता।